नमस्कार। लक्ष्मी सूत्रम एस्ट्रोलॉजी चैनल में सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। यूट्यूब चैनल पर मेरे पास व्हाट्सएप पे बहुत सारी रिक्वेस्ट आ रही थी कि मैं एस्ट्रोलॉजी को स्टार्टिंग से सिखाऊं। कई लोग जो मेरे चैनल को फॉलो कर रहे थे, तो एडवांस लेवल के जो भी मैं वीडियोस डाल रहा हूँ तो उससे कुछ लोगों को फ़ायदा हो रहा है, मगर जिन्हें उतना ज़्यादा एस्ट्रोलॉजी की जानकारी नहीं है वो लोग चाह रहे थे कि मैं शुरुआत से इसको एक्सप्लेन करूँ, तो बाईलिंगुअल एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँ। कुछ लोग चाहते थे कि हिंदी में बताऊँ और कुछ लोग चाहते थे कि इंग्लिश में बताऊँ, तो मैंने डिसाइड किया कि मैं टेक्स्ट तो इंग्लिश में रखूँगा और कन्वर्सेशन हिंदी में रखूँगा, जिससे कि दोनों ही लोग इसको समझ पाएँ। आज मैं शुरू कर रहा हूँ उन लोगों के लिए जिन्हें एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्ट है, जो एस्ट्रोलॉजी जानकारी चाहते हैं, समझना चाहते हैं, मगर उन्हें बिल्कुल भी इसके बारे में नॉलेज नहीं है। जो बिल्कुल जस्ट बिगनर्स हैं वो मेरे इन वीडियोस से फ़ायदा उठा सकते हैं, और जो एस्ट्रोलॉजी यूज़ करते हैं वो भी उठा सकते हैं, क्योंकि मैं इसमें बिल्कुल सारे बेसिक्स फ्रॉम द स्टार्टिंग एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो दोस्तों, मैं बगैर टाइम लिए हुए शुरू करने वाला हूँ, मगर आप मेरे वीडियोस को रेगुलर इंटरवल में देखते रहें तो आप रोज़ के 10 या 15 मिनट भी देंगे और आपको एस्ट्रोलॉजी समझ में आने लग जाएगी। शुरू करते हैं हम। एस्ट्रोलॉजी में जो सबसे इम्पोर्टेंट होती है वो एक कुंडली होती है, और कुंडली तक पहुँचने से पहले एस्ट्रोलॉजी के जो दो इम्पोर्टेंट पार्ट होते हैं वो होती हैं राशि, और जिसे हम साइन बोलते हैं, और दूसरा होता है ग्रह, या जिसे हम प्लैनेट्स बोलते हैं। तो राशि और प्लैनेट्स की सबसे ज़्यादा हमें जानकारी सबसे पहले होनी चाहिए, और इन्हीं दोनों के कॉम्बिनेशन से, राशि और प्लैनेट के कॉम्बिनेशन पर ही पूरी एस्ट्रोलॉजी टिकी हुई है, या पूरी एस्ट्रोलॉजी की जानकारी आपको मिलेगी। तो आपकी टोटल 12 राशियाँ होती हैं और 9 प्लैनेट्स हैं। वैसे 7 प्लैनेट हैं, मगर उसमें राहु और केतु को भी हम एस्ट्रोलॉजी में काउंट करके चलते हैं। यहाँ पर मैं बेसिक नॉलेज दूंगा, मैथमेटिकल नॉलेज इसमें या उसकी डिटेलिंग में हम नहीं जाएंगे। एक नॉर्मल पर्सन एस्ट्रोलॉजी यदि सीखना चाहता है तो उसके लिए जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो सारी चीज़ें आपको देखने के लिए मिलेंगी। तो सबसे पहला मैंने जैसे कहा कि यहाँ पर आपके 9 प्लैनेट्स हैं, वो कौन कौन से हैं, उनके हिंदी और इंग्लिश में नाम मैंने यहाँ पर बताए हुए हैं। जो हमारी इंडियन एस्ट्रोलॉजी, जिसे वैदिक एस्ट्रोलॉजी हम बोलते हैं, उसके अंदर अर्थ या पृथ्वी को उसके केंद्र पर माना गया है, और ऐसा माना गया है कि बाकी सारे प्लैनेट अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करते हैं, जबकि एक्चुअल में ऐसा नहीं है। एक्चुअल में सभी प्लैनेट सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं। तो ये मैं पहले डिफरेंस बता देता हूँ, इसको बोलते हैं जियोसेंट्रिक, मतलब अर्थ सेंटर पर है और बाकी सारे प्लैनेट उसके ऑल अराउंड रिवॉल्व करते हैं। तो जो प्लैनेट रिवॉल्व करते हैं वो कौन कौन से हैं, तो हमें मालूम है जैसे कि 7 दिन जो हमारे वारों के होते हैं उन सभी के लॉर्ड होते हैं। तो उसमें हम रविवार से शुरू करें तो उसका लॉर्ड आपका सन या सूर्य होता है। इसके बाद आपका सोमवार आता है, उसका लॉर्ड आपका मून या चंद्रमा होता है। इसके बाद मार्स होता है, हमें मालूम है मंगलवार का लॉर्ड। बुधवार जो होता है उसका लॉर्ड आपका बुध होता है, उसे हम मरकरी बोलते हैं इंग्लिश में। फिर बृहस्पतिवार है, उसको जुपिटर बोलते हैं या गुरु बोलते हैं। इसके बाद शुक्रवार है, उसको हम वीनस, शुक्र का लॉर्ड जो होता है वो शुक्र ग्रह है, उसको हम वीनस बोलते हैं। शनि, उसको हम सैटर्न बोलते हैं। तो आपके हालांकि मून एक ग्रह नहीं है, सूर्य भी एक ग्रह नहीं है, मगर एस्ट्रोलॉजी में सूर्य और चंद्रमा को भी ग्रह लिया गया है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, आपके 7 वार जो हैं आपके दिनों के, वो 7 ग्रह माने गए हैं। रविवार, जिसको हम सन बोल सकते हैं, सोमवार का लॉर्ड आपका मून है, इसके बाद मंगलवार के लिए मार्स यूज करेंगे टर्म, बुध, उसके लिए मरकरी टर्म यूज करेंगे, बृहस्पति या गुरु भी बोलते हैं उसके लिए जुपिटर यूज करेंगे, शुक्र वीनस यूज करते हैं, शनि के लिए सैटर्न। इस तरीके से ये 7 ग्रह हैं वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में
आपका नेपच्यून प्लूटो को भी यूज करते हैं, यूरेनस को भी यूज करते हैं, मगर इंडियन एस्ट्रोलॉजी में हम इनको यूज नहीं करते। इसके अलावा राहु और केतु भी यूज होता है, उनका हिंदी और इंग्लिश नाम सेम है। तो इस तरीके से 9 ग्रह हमारे हो गए। अब इसके बाद बात करेंगे तो आप लोग यदि एस्ट्रोलॉजी बिल्कुल सीखना चाहते हैं और यदि आप कोई कंसल्टेशन चाहते हैं तो मेरे इस चैनल को आप देखते रहें। मेरा ऐसा विश्वास है कि मैं आपको एस्ट्रोलॉजिकल जानकारी देता रहूंगा और आप इसको सीखने में जरूर कामयाब होंगे। यदि कोई कंसल्टेशन लेना चाहता है तो ये व्हाट्सएप नंबर आपको दिखाई दे रहा है, उस पर अपना प्लेस ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ अलोंग विद क्वेश्चन जो भी आप भेजना चाहें मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भेज दें तो मैं आपको इमिजिएटली कॉन्टेक्ट कर लूँगा। आगे आ जाते हैं। अब मैंने प्लैनेट्स की बात की तो दोस्तों 9 प्लैनेट्स हैं, उन्हें आप नोट कर लीजिए एक जगह पे और उनको याद करना आसान है। इसके बाद 12 राशियां होती हैं, राशियों की डिटेल में हम लेटर ऑन जाएंगे, मगर वो 12 राशियां कौन कौन सी होती हैं, उनके इंग्लिश और हिंदी नाम। सबसे पहले एरीज है जिसको मेष राशि बोलते हैं, टॉरस उसको वृष भी बोलते हैं, वृषभ भी बोलते हैं, जेमेनाइन मिथुन, फिर कैंसर राशि होती है जिसको हम कर्क राशि बोलते हैं, लियो जिसको हम सिंह राशि बोलते हैं, वर्गो जिसको हम कन्या राशि भी बोलते हैं, फिर आती है लिब्रा जिसको हम तुला राशि बोलते हैं, स्कॉर्पियो जिसको हम वृश्चिक राशि बोलते हैं, सेजिटेरियस जिसको हम धनु राशि बोलते हैं, कैप्रिकॉन जिसको मकर राशि बोलते हैं, एक्वेरियस जिसको कुंभ राशि बोलते हैं, पाइसेस जिसको मीन राशि बोलते हैं। तो मैंने 12 राशियों का नाम मालूम होना चाहिए। हमारे जो ये 9 प्लैनेट्स हैं स्काई के अंदर, हमेशा इनकी पोजीशन लगातार बदलती रहती है, एक जगह पर वो स्थिर नहीं होते। आपका पूरा जो ब्रह्मांड है वो आपका 360 डिग्री में डिवाइडेड है और वो 360 डिग्री आपकी 12 राशियों में डिवाइडेड है। यहाँ पर 12 राशियां मैंने लिखी, हर एक राशि 30 डिग्री की होती है। तो जो मैंने पीछे एक चार्ट बताया था, यहाँ पर ये 30 30 डिग्री के हिस्से हैं, ये 30 डिग्री का पार्ट है, 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 ये 30 डिग्री का पार्ट है। ऐसे पूरे आपके ब्रह्मांड को 12 30 डिग्री के पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है और एक पर्टिकुलर 30 डिग्री के पार्ट में एक राशि होती है। अब ये प्लैनेट लगातार हमें मालूम है कि वो मूव करते रहते हैं, तो एक राशि से दूसरी राशि में जाते रहते हैं। तो हर एक ग्रह की स्थिति टाइम के साथ बदलती रहती है, वो कुछ समय तक एक राशि में रहता है। अलग अलग ग्रहों की गति या स्पीड अलग अलग है, तो अलग अलग ग्रह एक राशि के अंदर अलग अलग टाइम पास करते हैं। हमारी एस्ट्रोलॉजी इसी बात पर डिपेंड करती है कि कोई ग्रह किस राशि में स्थिर है, तो वो जिस भी राशि में स्थिर होगा उस हिसाब से वो आपके ऊपर असर डालेगा। एक चार्ट बनता है जिसे हम बोलते हैं आपकी कुंडली और जिसे हम बोलते हैं जन्म कुंडली। जन्म कुंडली जो बनती है दोस्तों, उसमें आपका पूरे स्पेस को 12 घरों में डिवाइड किया हुआ है। ये जो सामने नजर आ रही है ये आपकी जन्म कुंडली है। जन्म कुंडली में 3 चीजें होती हैं। नंबर 1 जिसे हम बोलते हैं हाउस या भाव, नंबर 2 जिसमें होती है राशि, और नंबर 3 बात होती है उसके अंदर ग्रह। तो जब हम ऐसा एक चार्ट बना लेते हैं, इस तरीके के चार्ट को हम बनाएंगे, चार्ट को बनाने के लिए हमें क्या करना है, एक रेक्टेंगल बनाना है, रेक्टेंगल, फिर उसके रेक्टेंगल का मतलब आयत हिंदी में, उसके डायगनल्स बना लेने हैं दो। ये यहाँ पे एक ये डायगनल है जहां पे एरो जा रहा है, ये दूसरा डायगनल है। मैं आपको और बता देता हूँ इसको किस तरीके से बनाना है। ये चार्ट बनाना हमें आना चाहिए। आपने एक रेक्टेंगल बना लिया, ये देखिए ये रेक्टेंगल बनाया। अब रेक्टेंगल में सबसे पहले ये एक डायगनल बनाया है, दूसरा डायगनल, फिर आपको इस तरीके से एक लाइन बनानी है और इन्हें हमें ज्वाइन कर देंगे। ज्वाइन करने पर आपके ये 12 हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा। ये नॉर्थ इंडियन या उत्तर भारत में जो कुंडली यूज होती है उसके बारे में बता रहा हूँ, दक्षिण भारत और आपका ईस्टर्न इंडिया के अंदर दूसरे तरीके की कुंडली यूज होती है, मगर सब में कोई बहुत बेसिक डिफरेंस नहीं है। तो जो नॉर्थ इंडिया के अंदर कुंडली जो यूज होती है
उसके अंदर भावों की स्थिति या हाउसेस की स्थिति फिक्स होती है। आपके चार्ट या कुंडली के तीन चीजें होती हैं, एक होती है भाव, एक होती है राशि और तीसरी चीज होती है प्लैनेट्स। तो राशि कौन कौन सी होती है अभी मैंने बताया आपको, 9 प्लैनेट्स होते हैं वो बताया मैंने आपको। अब जो ये कुंडली होती है उसमें तीसरी चीज होती है भाव, और भाव कुंडली के फिक्स होते हैं, आपको ध्यान रखना है। ये जो यहाँ पर बना हुआ है ये वाला आपका, इसको हम क्वाड्रेंट भी बोलते हैं, फर्स्ट भाव है, चतुर्भुज बना हुआ है, आप देख लीजिए ये यहाँ पर ये जो बना हुआ है इसको हम सेकंड भाव बोलते हैं। और ऐसे आप एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, जैसे आपकी घड़ी की सुई चलती है उससे अपोजिट डायरेक्शन में आप गिनते जाइए, तो भाव आते जाएंगे, एक दो, ये तीन हो गया, चौथा भाव, पांचवा भाव, छठा भाव, सातवां भाव, आठवां भाव, नवां भाव, दसवां भाव, ग्यारहवां भाव, बारहवां भाव, इस तरीके से एक कुंडली के अंदर 12 भाव होते हैं। ये भाव फिक्स हैं। जब भी आपसे कोई कहेगा कि आपका सपोज कोई ग्रह बुध ग्रह चौथे घर में है, चौथे घर का मतलब वो यहां पर आप उसे समझेंगे, घर बदलने वाले नहीं है, आपकी राशि भी बदल जाएगी, किस भाव में कौन सी राशि होगी, ग्रह भी बदल जाएंगे, अलग अलग भाव में अलग अलग ग्रह हो सकते हैं, मगर आपका भाव बदलने वाला नहीं है। अभी आपसे कहेगा कि शनि सातवें भाव में है, तो इसका मतलब आप समझ जाएंगे शनि आपका या सैटर्न इस जगह पर है। आपसे कहेंगे मंगल आपका दसवें भाव में है, तो हम कहेंगे कि मंगल आपका यहाँ पर प्रेजेंट है। तो सबसे पहले एस्ट्रोलॉजिकल कुंडली समझने के लिए आपको राशि और प्लेनेट के बाद में बात करेंगे। जो हमारा चार्ट बनता है, कुंडली बनती है, आप जब किसी से बनवा कर लेकर आते हैं तो आप देखते हैं इस तरीके की स्ट्रक्चर होती है, उसके अंदर ये भावों के नंबर नहीं लिखे होते, ध्यान रखना है आपको। जो आपका चार्ट होता है आप खोल के देख सकते हैं किसी भी चार्ट को, आपका इंटरनेट पे भी चार्ट अवेलेबल होते हैं, तो उनमें जो इन जगहों पर नंबर लिखे होते हैं, भावों के नंबर नहीं लिखे होते, भावों के नंबर हमें नेचुरली याद होने चाहिए। वो कुंडली आपकी इस तरीके की होगी, अब ये बिल्कुल नंबर नहीं लिखे हुए हैं तभी भी आपको भाव का पता होना चाहिए कि कौन सा भाव कौन सा है। आप काउंटिंग यहाँ से करेंगे हमेशा, और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन या घड़ी की सुई के अपोजिट डायरेक्शन में आप चलेंगे। आपसे कहा जाएगा 10th हाउस या 10वें भाव में है, तो या 10वें घर में है, कहीं पे घर भी बोलते हैं इसे, भाव भी बोलते हैं उसे, और उसे हाउस भी बोलते हैं। तो हम यहाँ से गिनना शुरू करेंगे, सपोज कहें तीसरा घर या थर्ड हाउस, तो यहाँ से 1, 2, 3 इस तरीके से थर्ड हाउस हो गया हमारा। अब वो कहेगा सैटर्न इज इन थर्ड हाउस, इसका मतलब शनि यहाँ पर प्रेजेंट है। वीनस इज इन फिफ्थ हाउस, तो यहीं से काउंट करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, तो वीनस यहाँ पर प्रेजेंट है। सन इज इन द 8th हाउस, तो यहीं से काउंट करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो दोस्तों हाउस ऑलवेज फिक्स है, आपको जब भी वो किसी भी प्लेनेट के किसी भी हाउस में होने की बात करे तो आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। हाउसेज फिक्स हैं, किसी भी कुंडली में जो नंबर लिखे होते हैं वो हाउसेज के नहीं लिखे होते हैं, ध्यान रखना है। कुंडली के अंदर जो नंबर लिखे होते हैं वो अलग बात है, राशि के लिखे होते हैं वो मैं बाद में बताऊंगा, हाउस के नंबर नहीं लिखे होते, हाउस हमेशा फिक्स होते हैं। आपसे वो फिफ्थ हाउस के हैं तो वो हर एक के चार्ट में फिफ्थ हाउस सेम होगा, उसकी पोजीशन सेम होगी। काउंटिंग हम नंबर 1 हाउस से शुरू करेंगे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, इस तरीके से हम हाउस के बारे में जान सकते हैं कि ये हाउस नंबर 1 है। अब क्या होता है, दूसरी एक बात हम यहाँ पर बात करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट। नेटिव जब बॉर्न होता है तो उसकी लग्न होती है, एक असेंडेंट होता है, वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है उसके चार्ट में। लग्न क्या होती है, आपकी जो मैंने 12 राशियां बताई, दिन भर के अंदर वो सभी राशियां जो हमारा ईस्टर्न होरिजन है, पूर्व भाग में आपकी उदित होती हैं, वहां पर राइज करती हैं। जब आपका जन्म जिस समय पर होता है उस समय पर जो भी राशि वहां पर राइज कर रही हो उसको हम असेंडेंट बोलते हैं। आपके जन्म के समय पर आपके ईस्टर्न भाग पर जो भी राशि राइज कर रही हो उसे हम असेंडेंट बोलते हैं। तो एक दिन के अंदर 24 आवर में सारी 12 की 12 राशियां ईस्टर्न पार्ट में राइज करती हैं। एक राशि
ईस्टर्न पार्ट के अंदर 2 घंटे तक रहती है करीब करीब, उसमें 10-15 मिनट कम या ज़्यादा भी हो सकते हैं, मगर पूरे 24 आवर में सारी की सारी 12 राशियां ईस्टर्न होरिजन पे राइज करती हैं। तो किसी भी नेटिव का जब बर्थ होता है उस टाइम ईस्टर्न होरिजन पे कौन सी राशि राइज कर रही है उसको हम उस नेटिव का असेंडेंट बोलेंगे। अब असेंडेंट बोलेंगे तो इसके बारे में जो दूसरी बात, इन जनरल हमें असेंडेंट के बारे में कैसे पता चलेगा बगैर किसी चीज़ के? यदि आपसे कोई नेटिव पूछता है कि भाई आपको पता लगा किसी का 12 बजे जन्म हुआ है तो उसका असेंडेंट क्या होगा, उसे भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। हालांकि एक्यूरेट असेंडेंट कैलकुलेट करने के लिए कैलकुलेशन इन्वॉल्व होती है, तो आज के टाइम में मैं जो ये बता रहा हूँ असेंडेंट की कैलकुलेशन यदि किसी को सीखनी हो तो मैंने ऑलरेडी वीडियोस अपलोड किए हुए हैं, वो आपके असेंडेंट की कैलकुलेशन सीख सकते हैं। यहाँ पर मैं जो आपको बता रहा हूँ वो आपको असेंडेंट निकालना नहीं है। जिन लोगों ने एक अपना चार्ट देख लिया, किसी कंप्यूटर से निकाल लिया या किसी ज्योतिषी ने उसको वो चार्ट दे दिया तो उसको हमें कैसे देखना है इस बारे में मैं समझा रहा हूँ। जिन लोगों को असेंडेंट निकालना सीखना है वो मेरी असेंडेंट की वीडियोज़ को देखें और वो उससे लाभ ले सकते हैं। तो दोस्तों अभी मैंने असेंडेंट बताया, तो मैं आज का वीडियो लंबा हो जाएगा, 15 मिनट से ज़्यादा मेरी कोशिश है कि कोई भी वीडियो ना हो। तो मैं आपको असेंडेंट किस तरीके से हम बगैर किसी कैलकुलेशन के अंदाज़ा लगा सकते हैं वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। आप वॉच करते रहिए रेगुलरली, तो मेरा प्रॉमिस है ये कि आप ज़रूर इसको सीख पाएंगे। अब मैं यहाँ पर जो दूसरी छोटी सी एक चीज़ और बता रहा हूँ वो ये बता रहा हूँ कि जो 12 आपकी राशियाँ होती हैं उन सभी राशियों के लॉर्ड होते हैं, स्वामी होते हैं। तो राशियों के जो स्वामी होते हैं, स्वामी का मतलब उनके पास उनका आधिपत्य है, ओनरशिप है। तो जो भी स्वामी अपनी राशि का ध्यान रखता है या अपनी राशि की खैर खबर रखता है, अपनी राशि की रक्षा करता है, अपनी राशि को स्ट्रोंग करता है, तो राहु और केतु के लिए कोई भी राशि एलोकेटेड नहीं की गई है, बाकी सभी 7 प्लैनेट्स को राशि दी हुई है। उसमें मून एंड सन, चंद्रमा को केवल एक राशि का स्वामित्व दिया हुआ है, लॉर्डशिप दी हुई है, वो होता है कैंसर। कैंसर राशि का लॉर्ड आपका चंद्रमा है। सूर्य या सन को भी एक ही राशि का स्वामित्व दिया गया है जिसको बोलते हैं लियो, या सिंह राशि का मालिक आपका या लॉर्ड सूर्य है। इसके बाद मार्स या मंगल आपकी 2 राशियों का स्वामी है, एक तो एरीज या जिसे हम मेष राशि बोलते हैं और दूसरा स्कॉर्पियो या जिसको आप वृश्चिक राशि बोलते हैं। तो मंगल के पास 2 राशियों का स्वामित्व है, एक मेष और स्कॉर्पियो। इसके बाद शुक्र के पास या वीनस के पास भी 2 राशियों की लॉर्डशिप है, एक है आपका टॉरस जिसको वृषभ बोलते हैं और दूसरी है लिब्रा। इन दोनों राशियों का लॉर्ड आपका वीनस है। इसके बाद मरकरी के पास भी 2 राशियों की लॉर्डशिप है, मरकरी के पास एक राशि जिसकी लॉर्डशिप है वो है जेमिनाइन और दूसरी वर्गो, इन दोनों की लॉर्डशिप है। इसके बाद आपका आ जाता है जुपिटर। बृहस्पति के पास भी 2 राशियों की लॉर्डशिप है, एक है आपका सजिटेरियस या धनु और दूसरी पाइसेस और मीन राशि की लॉर्डशिप बृहस्पति के पास है। इसके बाद रह गए शनिदेव, शनिदेव के पास भी 2 राशियों की लॉर्डशिप है, तो एक है आपका कैप्रिकॉन, एक होगा एक्वेरियस। तो आपको ये याद रखना है कि किस राशि का कौन लॉर्ड है। तो आपके टोटल 7 प्लैनेट्स हैं, वो 12 राशियों के लॉर्ड हैं और इनमें आपका सन और मून को केवल एक एक राशि की लॉर्डशिप दी हुई है। मून मींस कैंसर के लॉर्ड मून है और आपके लियो के लॉर्ड सन है। इस तरीके से आपको इन सभी राशियों की लॉर्डशिप को भी नोट करके रखना है। तो आप लॉर्डशिप को नोट कर लोगे, सन और मून को एक एक राशि की लॉर्डशिप दी हुई है, बाकी सभी प्लैनेट्स को 2-2 राशि की लॉर्डशिप दी हुई है। तो आप इन सभी चीज़ों को याद रखिएगा और आज मेरे इस वीडियो को देखेंगे, इसके बाद आप कंटिन्यूसली सीरीज़ को देखते रहेंगे तो मेरा यकीन है कि आप 20-30 वीडियोस के बाद चार्ट देखने में कैपेबल हो जाएंगे। आपको एक जनरल अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि हम एस्ट्रोलॉजिकल चीज़ों को किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।
और आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा यदि आप कोई इम्प्रूवमेंट चाहते हैं, मुझे कोई सजेशन देना चाहते हैं, तो यू आर ऑलवेज वेलकम। धन्यवाद दोस्तों।